विचारों में दम होना चाहिए, हौसले बुलंद होना चाहिए, तो कुछ भी संभव है। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में अकोला में 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुझे आज ये बताना है कि जो भी कुछ आज हम हैं वो विचारों से है। विचार ही हमारे सब कुछ है, विचारों से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मन शांत रखो। मन शांत रखेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, अच्छे विचार क्रिएट हो जाएंगे। और उसके लिए मन शांत रखना जरूरी है। आपको रोज ऐसी प्रैक्टिस करना है कि आप अपना समय निकालेंगे 20-25 मिनट का और उसमें मन शांत रख के सोचेंगे। उस समय बाहर से कुछ भी स्टिमुलाई नहीं आने को ना, फोन नहीं है, फेसबुक नहीं देख रहे, व्हाट्सएप नहीं है, किसको बात नहीं कर रहे, किसके साथ में टीवी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ शांत बैठेंगे। उस समय हो सकता है आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे और अपना दिमाग शांत रखेंगे। पहला पॉइंट है मन शांत रखो और क्रिएटिव बनो। जब आप पैदल भी घूमने जाते हैं ना, लोग फोन पे बोलते रहते हैं, रेलवे काउंटर पे खड़े हैं वहां भी चालू है फेसबुक देखना, लोग खाली बैठे नहीं है। देखो साइंटिस्ट लोग जो है ना वो शांत बैठे सोचते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा नया निकलता है दिमाग में से, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। नंबर दो, आप अपने आप को कम समझ के मांगो मत। हमको है ना बचपन से मांगने की आदत पड़ चुकी है। बच्चा है तो माँ बाप को मांगेगा और बड़ा हो गया तो भगवान से मांगेगा, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, भगवान आशीर्वाद दो, भगवान पैसा दो, भगवान आनंद दो, क्या चालू है। मतलब जो भी कुछ हुआ वो भगवान का, आप जिम्मेवारी नहीं लेते हो। आप जिम्मेवारी लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मांगो मत, खुद तैयार हो जाओ, खुद कुछ भी कर सकते हैं। अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ और खुद तैयार करो जो भी करना है। वो मांगने से अपना दिमाग कमजोर हो जाता है, आत्मसम्मान कम होता है और आप हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मांगो मत। हाँ, अपने को कोई अड़चन है, किसको सपोर्ट मांगना है, बात अलग है, सपोर्ट मांग सकते हैं किसको, ये ठीक है मुझे, मेरा इतना काम कर दो, ये सपोर्ट चाहिए वगैरह, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं कम हूं और आप बड़े हो, मुझे कुछ दो, ये बात गलत है। नंबर तीन, देने वाला बनो। जब आप देते हो लोगों को कुछ ना कुछ तो आप बड़े बनते हो। और देने की जो दानत है ना, जो मनसा है, इच्छा जो जो विचार है, वो आपको बड़ा बनाते हैं। जो देता है वो सर्कुलेट करता है, सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना देंगे उतना 10 गुना ज्यादा वापस आएंगे। एक लड़का फुगे बेच रहा था, अलग अलग कलर के, चौक पे खड़ा था। वहां से एक आदमी मर्सिडीज कार से जा रहा था, उसने कार रोक दिया क्योंकि वो आदमी को अपने बच्चों के लिए फुगे लेना था। जैसे रोक दिया तो फुगे लेने के लिए गया, फुगा लिया तो बच्चा जो था वो 10-12 साल का बच्चा होगा, तो उसको कार को हाथ लगाने लगा क्योंकि उसने कभी ये कार देखी नहीं थी, मर्सिडीज कार, तो बहुत अच्छी कार है। तो वो आदमी बोलता है बड़े चाव से, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। वो लड़का देखते रहा, सोचते रहा, तो वो आदमी उसको बोलता है बेटे को कि तू भी ये सोच रहा ना कि तेरा भाई तेरे को गिफ्ट कब देगा। पर नहीं, मैं वही सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ऐसी गिफ्ट मेरे भाई को कब दे सकूंगा। देखो विचार में कैसा फर्क है। देने वाला बनो, जो देता है उसको ही मिलता है। नंबर चार, अपनी ताकत पहचानो। मोर जो है ना, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, पंखों में बहुत ताकत है, बड़े बहुत बड़े पंख होते हैं, मगर उसको ये मालूम ही नहीं कि अपने पंखों से हम बहुत ज्यादा, बहुत लंबी, बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, दिमाग में भी नहीं है। हमारे में बहुत ताकत है, ताकत का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और कुछ भी संभव है। तो अपनी ताकत को पहचानो, अपन क्या कर सकते हैं, अपने आप को पहचानो। हम हमको खुद के ऊपर डिमांड डालेंगे नहीं, खुद को स्ट्रेच नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉब्लम मत करो। देखो आपको स्टेशन पे जाना है तो आप एक बैग उठा के चले जाएंगे, जाएंगे और ट्रेन को बोर्ड करेंगे। पर ये कल्पना करो कि आपके पास में बहुत बड़ी बैग है और ट्रेन आ रही है, आप लेट हो गए, ट्रेन धड़ 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 करके प्लेटफॉर्म पे आ रही है, आपको लेट हो गए, वहां कोई कुली भी बाहर नहीं है, आप उतर गए ऑटो रिक्शा से, अभी आपसे बैग उठाए भी नहीं जा रही वैसी अदरवाइज, अभी बैग उठा के आप दौड़ना चालू करेंगे और स्टेशन पे जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है,
और वो ताकत आप में है। नंबर 5, मनुष्य प्राणी बहुत आलसी है। कुछ भी उसको बोला ना ये करना है, बोलते कल करेंगे बाद में करेंगे, हाँ करता हूं देखता हूं, उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं। आप एक्शन टेकर बनो, भाई कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षणमय प्रलय होगा फिर करेगा कब, अभी करो जो भी करना है, जिंदगी अभी है। हम कैसा जीते हमारे में करें, कल करेंगे बाद में करेंगे दो तीन दिन बाद करेंगे, मतलब आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है यारो, जीना है यहां परसों, ऐसा हम जीते हैं। और आलसी बनते हैं, सीधा सुबह भी आपको उठना है ना सवेरे, तो सुबह भी आप उठेंगे नहीं, अलार्म लगाएंगे और सवेरे सवेरे आलस करेंगे, नहीं आज का दिन जान दो बाद में कल से उठेंगे, और उठेंगे नहीं और फिट नहीं रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कंफर्ट जोन छोड़ो, आलस छोड़ो। नंबर 6, ऑल्टरनेटिव ढूंढते जाओ, रुको मत। हम क्या कहते हैं, कुछ भी होगा तो भी रुक जाते हैं, नहीं मैंने फोन किया मगर उसने फोन नहीं उठाया, नहीं अरे फोन नहीं उठाया तो क्या होगा, बाद में दोबारा फोन करो, नहीं दोबारा फोन करके उठा रहा है, SMS भेजो, WhatsApp भेजो, टेक्स मैसेज, जो करना हो करो, उसके घर चले जाओ, जो करना हो करो मगर काम करो लो उससे, नहीं नहीं मैंने किया मगर वो कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे भाई गूगल मैप का देखो एग्जाम्पल, गूगल मैप कैसा है, आपने गूगल मैप लगा दिया, आपको जाना है बस स्टैंड के ऊपर, और वो बता रहा है कि राइट करो लेफ्ट करो राइट करो लेफ्ट करो, आपने गलती से पहले राइट कर दिया, तभी गूगल मैप क्या बोलता है, नहीं नहीं आपने गलती की, अब मैं बात नहीं करूंगी, नहीं वो ठीक है आपने गलती से राइट कर दिया, वो वहां एडजस्ट कर लेता है और फिर आपको बोलता है कि अभी आगे जाओ लेफ्ट टर्न मारो, तो आप पहुंच जाएंगे वहां। तो हर बार ऑल्टरनेटिव ढूंढो, रुकना मना है ठहरना मना है, ठहरने का नहीं है रुकने का नहीं है, गंतव्य स्थान जो है वहां जाने का ही जाने का है, गूगल मैप बनने का है। नंबर 7, चैलेंजेस का स्वीकार करो, हार्डवर्क करो। तो लोग बोलते हैं मैं इतना काम क्यों करूं, इतना हार्डवर्क मैंने क्यों करना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे भाई प्रॉब्लम है तो अच्छा है, प्रॉब्लम है तो आप उससे सीख जाओगे, प्रॉब्लम को फेस करोगे तो आप पक्का बनोगे, आपका डेयरिंग बढ़ेगा, आप बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लोगों लगता है प्रॉब्लम क्यों नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम तो आएंगे, जो जिंदा लोग उनको प्रॉब्लम आएंगे, जो कब्रस्तान में मरे हुए हैं ना और जो लेटे हुए कब्रस्तान में उनको नहीं प्रॉब्लम आएंगे, जो जिंदा है उसको प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम आने दो, प्रॉब्लम यह चैलेंज है और चैलेंज करके उसका स्वीकार करो। हार्डवर्क बिल्कुल करना चाहिए, हार्डवर्क करते करते आप बड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं मगर भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे ऊपर इतने क्यों कष्ट डाले, भगवान ने इतने प्रॉब्लम्स क्यों किए। अरे भाई भगवान ने आपको प्रॉब्लम दिए क्योंकि भगवान चाहता है कि आप मजबूत बनो, आप पक्का बनो, आप तरक्की करो। उसी को काम दिया जाता है, उसको प्रॉब्लम दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जो पक्का है, जो कच्चा है उसको नहीं दिए जाते। तो चैलेंज का स्वीकार करो, हार्डवर्क करो और ऊपर ऊपर जाते जाओ। नंबर 8, समस्याओं में मौके देखो और मौके पे चौका लगाओ। लोग क्या है, समस्या आ गई तो रुक जाते हैं, बोले समस्या है तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो एक सेल्समैन क्या बोलेगा, नहीं बहुत ज्यादा बारिश है अभी मैं कैसा सेल करूं, मैं कैसा बाहर जाऊं, अब तो मैं भीग जाऊंगा, रास्ते बंद है, गाड़ियां नहीं मिलेंगी, फलाना ढमाका। पत्नी को बोलेगा पत्नी गरम गरम चाय बनाओ, भजिया बनाओ, खाओ और आराम करो क्योंकि आज बारिश है। ये दूसरा व्यक्ति जो है ना बोलता है यार ये तो मौका है, बारिश है तो, अब बारिश है तो सब लोग घर पे मिलेंगे और मैं भी उनके घर पे जाऊं तो घर पे मिलेंगे और मेरा धंधा बढ़ेगा। तो समस्याओं में वो मौके देखता है और लोग मौके में समस्या देखते हैं। तो समस्याओं में मौके देखो और मौके पे चौका लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9, क्या है कि लोग गिर जाते हैं और बाद में बहुत डाउन हो जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते गिरने के बाद। भाई जो सफल आदमी है ना वो गिरता ही है, सफलता के पहले असफलता आती है, आपको असफल होना पड़ेगा, फटके खाने पड़ेंगे, गिरना पड़ेगा। गिरना कोई बुरा नहीं है, गिरना कोई बुरा नहीं है, गिरकर रहना बुरा है। तो कोई भी काम करते आपको असफलता मिली, आपको फटके बैठ गया, आपको नुकसान आया, जो भी कुछ हुआ होगा ठीक है, वो गड्ढे में गिर के नहीं रहना है, उठना है, हाथ पर झटकना है, चलो हाथ पर झटको, बोलो चलो क्या क्या गलतियां किया वो सीखो और आगे बढ़ो। तो गिरने के बाद उठो, ये महत्व का है। पॉइंट नंबर 10, तारीफ मत सुनो।
देखो तारीफ सुनने वाले आपके आसपास में बहुत लोग रहेंगे, आपकी उससे तरक्की नहीं हो सकती है। तारीफ जब आप सुनते हैं आपको अच्छा लगता है और आपके पास में फिर अच्छे लोग ही जमा होते हैं जो तारीफ कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, मगर एक्चुअली वो लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि जो तारीफ करते रहता है वो आपको तरक्की करने नहीं देगा। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, मेरे तारीफ कर रहे लोग। आलोचना करने वाले लोग आपके आसपास में होना चाहिए, क्रिटिसाइज करने वाले लोग आसपास होना चाहिए। मराठी में कहावत है कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी आलोचना करने वाला जो है ना वो अपना पड़ोसन होना चाहिए। तो वो व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा, आप तरक्की करोगे। हाँ, प्रशंसा करना यदि आपको, प्रशंसा सुन लेना यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी दुर्गति हो रही है, आप पीछे जा रहे हो। एक बार विनोबा भावे जी को महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा, वो पढ़ने के बाद में बहुत क्रोधित हुए, उनकी आंखें लाल हो गई। उनके शिष्य ने पूछा, विनोबा भावे जी के शिष्य ने, कि क्यों ऐसा आपको लगा, मतलब बुरा क्यों लगा, आपकी आंखें क्यों लाल हो गई? बोले मेरी तारीफ कर रहा है। बोले फिर क्या हुआ? तारीफ कर रहा है। बोले तारीफ करके मेरी तरक्की कैसी होगी? तारीफ तो सब लोग करते हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो मुझे अवगुण बताएगा, जो मेरा प्रॉब्लम क्या बताएगा, ताकि मैं दुरुस्त कर सकूं। इसलिए आपके आजू बाजू में चमचे लोग मत रखो, तारीफ करने वाले मत रखो, एक्चुअली आलोचक रखो। नंबर 11, बर्निंग डिजायर। आपकी डिजायर, आपकी इच्छा शक्ति जाज्वल्य है क्या, बर्निंग है क्या? और बर्निंग डिजायर होंगी तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो एक आधा शेर जो है ना वो छुपा रहता है झाड़ी में और देखते रहता है कि हिरन का जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में कौन सा हिरन जो है वो कच्चा है, अकेला अकेला है, लंगड़ा है, छोटा है। देखते रहता है वो पूरा फोकस करके वो देखते रहता है। एक बार उसने फाइनल कर लिया अपना टारगेट, फिर वो दौड़ना चालू कर देता है, और जो दौड़ता है ताकत से, क्योंकि उसको मालूम है 2 दिन से मैं भूखा हूं, अभी तो आज खाना ही पड़ेगा, और आज खाना नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ेगा। जो ताकत से दौड़ता है तो उससे भी ज्यादा ताकत से वो हिरन दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपनी जान प्यारी, उसको मालूम है कि अभी शेर ने पकड़ लिया तो अपना तो कार्यक्रम हो गया। उतनी जाज्वल्य इच्छा शक्ति आप में है क्या, उतनी बर्निंग डिजायर आप में है क्या? और वो बर्निंग डिजायर होंगी तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सफलता के 11 सूत्र मैंने आपको बताया, या आपके जीवन में लाते हो तो डेफिनेटली आपकी तरक्की हो जाएगी। आपके हौसले बुलंद रखो, जीत आपकी है। क्योंकि आपको अच्छा लगा था, जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।